उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए मेरे पास पुरानी सीनरी थी, किसी की बनाई हुई है जिसने मुझे गिफ्ट किया था। तो इसके 2 बार मैंने शीशे चेंज करा दिए, लेकिन जो है बच्चों से टूट गया। इस बार हमने थोड़ा सा इसको रिसाइकल किया है, और इसके ऊपर जो कलर दूसरे थे थोड़ा डार्क कलर ग्रीन एक्रेलिक चढ़ा दिया है, और इसके ऊपर भी रेड कलर चढ़ाया। और ये चीज़ें बहुत गोल्डन थी, समझ में नहीं आती। मैंने इसे रेड से इसकी जो है सर्किल बना दिए हैं छोटे छोटे, और ये सब भी पेंट कर दिए। इसकी सीढ़ी है, ये हट है, ये प्लांट है, और सफाई कर दी यहाँ गोल्डन से मेटालिक कलर से एक्रेलिक से। इसकी मैंने सीढ़ियों को ऐसे कर दिया है स्विमिंग को, और देख ज़मीन देखिए मेटालिक एक्रेलिक कलर से हमने कर दिया है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हमें लगा कि डेकोरेशन और कुछ न्यू किया जाए, तो हमने ये छोटी छोटी स्मॉल बटरफ्लाई जो है आर्टिफिशियल है ये, वैसे आप फोम शीट से भी कट कर सकते हैं इजी वे में। और ये इसके ऊपर ग्लू लगा हुआ है पीछे, इसको स्टिक करके इसको हटा देंगे तो हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे इसको भी। आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये आसानी से स्टिक हो जाती है। अगर आप घर में ही बनाएंगे ग्लू लगा कर दीजिए तो ये हो गया। इसी तरह से सारी हम कर लेते हैं, देखिए ये इस तरह से निकल जाएगी। और इजी वे में आप इसको अच्छे से बस जहाँ पर आपको सेट करना है कर दीजिए, हो गया। बस बस जो है मेरी पतली एकदम ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है, एकदम ये ट्रांसपेरेंट हमने लिया है, और ये पता भी नहीं चलेगी। इसे क्लीन भी ऊपर से भी कर लेंगे और इजी वे में लग जाएगी। आपको शीशा लगाना, शीशा लगाइए। मेरे 2 बार गिर के टूट चुके हैं, इस वजह से इसको अभी हम ऐसे ही फिलहाल कर लेते हैं। टेप से हम साइड से अच्छे से इसकी फिनिशिंग करके साइड बगल से जो यहाँ पर से पीछे से लगा लेंगे टेप, और इसे टाइट करके लगाकर अभी आपको दिखाते हैं इस तरह से ये लगेगा बनने के बाद। देखिए ये हमने इसको इस तरह से जो है इसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ा लिया है, इतना पता नहीं चल रहा है। अभी नीचे हमने टेप नहीं मारा आपको दिखाने की वजह से, इसको मार लेंगे। दोनों साइड हमने लगा लिया है। देखिए इस तरह से भी आप चीज़ों को अपनी रिसाइकल कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। अल्लाह हाफिज़।